वेलकम अगेन। अभी हमने बात की लिस्ट और टपल की, अब देखने जा रहे हैं सेट। तो लिस्ट और टपल का डिफरेंस एक बार ज़रूर पढ़ लेना। सेट और डिक्शनरी एक जैसे हैं क्योंकि सेट और डिक्शनरी का जो ओपनिंग ब्रैकेट है कर्ली ब्रेसेस वो यूज होता है। तो सेट को हम देखते हैं कि सेट में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। हालांकि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो कि लिस्ट या टपल से मिलती तो नहीं है, लेकिन उनके जैसे वर्क बिहेवियर होता है। तो सबसे पहले हम एक सेट बनाते हैं, सेट वैल्यू इक्वल टू, और यहाँ पर हम यूज करते हैं सेट के लिए कर्ली ब्रेसेस। सेट का काम जो है इसके थ्रू ही, ये जो सेट मैथ में पढ़ा होगा कि यूनियन इंटरसेक्शन हम करते हैं कि अगर दो अलग अलग सेट हैं जिसके अंदर की डुप्लीकेट वैल्यू भी हैं, तो हम जब यूनियन करते हैं तो उसके अंदर से डुप्लीकेट को हटा के यूनिक वैल्यूज़ मिल जाती हैं, और जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो जो दोनों में केवल सिमिलर होंगी वो मिल जाती हैं। तो उसके लिए हम राउंड वाला सर्किल बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं, और अगर डेटाबेस का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो तो वहाँ पर भी जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो वहाँ पर भी हम सेट का ही यूज करते हैं। फुल ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, वैसा ही सेम केस पाइथन में भी मिलता है, और उसके लिए यहाँ पर हमें सेट मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर सेट बनाते हैं, मान लो सेट नंबरिंग का ही बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 करके, और इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो न्यू लाइन ले लेते हैं हम, और सेट वैल्यू, और यहाँ पर हम इसका अगर डेटा टाइप चेक करोगे तो डेटा टाइप चेक करने से पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में सेट है। तो टाइप पता ही है कि हम टाइप कैसे पता करेंगे, टाइप मेथड हमको मिलता है उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। सेट वैल्यू मिल चुकी है, तो आगे हम चलते हैं और फिर आगे देखते हैं आइटम को एक्सेस करना। सेट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो है बाकियों से वो ये है कि जैसे लिस्ट और टपल तो देखा था कि ठीक है, लिस्ट में हम वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नई वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे सब मेथड्स हमको मिलते हैं। वहीं दूसरा जो था टपल की, टपल में हम कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ टपल नॉन चेंजेबल होता है। तो वहाँ पर हमको केवल दो ही मेथड मिले थे, एक इंडेक्स और एक काउंट। वैसे ही अगर हम सेट की बात करें तो सेट में एक डिफरेंस है डिक्शनरी से कि ये जो है अनऑर्डर्ड होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। जैसे कि यहीं पर है, यही हमने प्रिंट करके देखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है, और इसी को हम एक बार फिर से रन करते हैं, और रन करने पे हमको जो आउटपुट मिलेगा ये क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 ही मिला है। एक बार हम फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है, ये तो यहाँ पर ऐसे ही मिल रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं एक पोजीशन वैल्यू को, और हमने प्रिंट लिखा, और प्रिंट लिख के न्यू लाइन में हमने सिंगल वैल्यू, और सिंगल वैल्यू के लिए हमने क्या किया कि सेट वैल्यू में ब्रैकेट में हमने जीरो पोजीशन की वैल्यू ली, और अब एक बार रन करके देखते हैं कि देता क्या है। क्या कह दिया, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी इंडिविजुअल इंडेक्स वैल्यू को कॉल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ये वर्क नहीं करता है। अभी हम इसको आगे चल के देखते हैं कि ये एक्सेस का काम कैसे होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमको आइटम एक्सेस करने के लिए इसको लूप में चलाना पड़ता है, और उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, इन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो लूप तो अभी हम आगे चल के देखेंगे, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को देखने की अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम प्रिंट में चेक कर सकते हैं। प्रिंट में क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर सेट में इंडेक्स वैल्यू तो नहीं चेक कर सकते हैं कि 0 1 2 3 पर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। सेट का डिफरेंस जाकर देखोगे तो उसमें ये चीज़ मिलेगी कि ये अनऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, इसीलिए हम इसमें कोई भी इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट स्पेशली नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि एक एग्जिस्टिंग वैल्यू है या कोई नंबर है जो सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो वो हमें पता चल सकता है। तो उसके लिए करना क्या है, जैसे हमने यहाँ पर न्यू लाइन ले लिया, और हमने क्या कहा कि जो ये वन है ये सेट वैल्यू के अंदर है कि नहीं है।
तो इन का काम पता है कि इन हमें ट्रू या फॉल्स देता है। इस केस में हमें क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। क्यों? क्योंकि वन जो है वो एग्जिस्ट करता है। यहीं पर अगर हम 10 कर दें तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 10 जो है वो सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमें क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। तो ये तो हम देख सकते हैं, चेंज आइटम वाला केस पता चल गया कि हम जब इंडेक्स वैल्यू को ही नहीं एक्सेस कर सकते हैं तो किसी इंडेक्स वैल्यू पे वैल्यू को ऐड भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें अलग से ऐड करने के लिए दो मेथड मिलता है, एक ऐड और एक अपडेट। ऐड का काम क्या है कि वो सिंगल वैल्यू को ऐड करता है, जैसे लिस्ट में हम अपेंड करते थे वैसे यहाँ पर ऐड यूज किया जाता है। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ से लेते हैं और इसको एक्चुअल में हम ले चल के रखते हैं नीचे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड करना है हमारे सेट के अंदर नई वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या मिल रहा है, सेट वैल्यू का एक सब मेथड मिल रहा है ऐड, और ऐड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नई वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो हमने 10 को ऐड कर दिया, और ये क्या करेगा, लास्ट से जैसे कि अपेंड करता है वैसे ये लास्ट से वैल्यू को ऐड कर देगा। यहाँ पर 10 ऐड हो गया। वहीं पर एक दूसरा मेथड हमको मिलता है अपडेट। ये क्या करता है कि एक बार में अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड करना हो सेट में तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपडेट का। अपडेट क्या है, ये भी एक सब मेथड है सेट का। तो हमने अपडेट यूज किया, और अपडेट में हमें क्या करना है, एक लिस्ट पास करनी होती है एक्चुअल में। तो जैसे 11, 12, 22, 33, 44, इतने हमने अपडेट कर दिए एक बार में। और अब अगर हम इसको रन करते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें वन टाइम में ही इतनी वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर ध्यान दे रहे होगे कि जो ये सेट की वैल्यू है ये सफल करना चालू कर दी है, ध्यान दे रहे हो। अभी ये जो मिल रहा है इसी को एक बार फिर से हम अपडेट करते हैं, और आउटपुट देखना, इनकी पोजीशन जो थी, ठीक है, 6 तक थी। इसके बाद में यहाँ पर ऐड किया था 10 को, लेकिन 10 क्या है, आ चुका है यहाँ पर, और 33 जो है वो यहाँ पर आ गया है, और ये 11 जो है वो यहाँ चला गया है। तो ये सफल कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा आगे हम चलते हैं, अपडेट का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास लेन मेथड ही मिल रहा है, जो कि हमने सेट में भी देखा, सेट से पहले हमने लिस्ट में और टपल में भी देखा। तो ये लेन मेथड हमको मिल रहा है, लेन मेथड का यूज करके चेक कर लेना। इसको मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, ये आपके लिए वर्क है। मैं बार बार कोड को जो है प्रिंट से नीचे ले जाकर लिख देता हूँ, ठीक है। तो लेंथ के आगे अगर हम चलते हैं आइटम को रिमूव करने का केस, तो यहाँ पर हम इंडेक्स के थ्रू तो रिमूव नहीं कर सकते हैं आइटम को, लेकिन हमें आइटम को रिमूव करने के लिए यहाँ पर दो मेथड मिलते हैं। एक तो मिलता है रिमूव और दूसरा मिलता है डिस्कार्ड। अब बात यह आती है कि अगर दोनों एक जैसा ही काम कर रहे हैं तो हम इन दोनों का ही यूज क्यों करें, एक का ही करें। तो इसमें होता यह है कि जैसे रिमूव जो है ये हमने लिस्ट में देखा था, वैसा ही सेम काम यहाँ पर भी ये करता है कि यहाँ पर हम सीधे वैल्यू देते हैं कि किस वैल्यू को रिमूव करना है। जैसे हमने दे दिया 10, तो ये क्या करेगा, 10 को रिमूव कर देगा। रन किया, यहाँ से 10 जो था वो जा चुका है। लेकिन मान लो कि यहाँ पर हम 10 की जगह 101 दे रहे हैं रिमूव करने के लिए, और रन करते हैं। रन करने के साथ में क्या हुआ, इसने हमको एरर दे दिया, और एरर क्या दिया कि एरर 10, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 101 तो हमारे सेट में एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इसलिए इसने एरर दिया। यही एरर हमको ना मिले इसलिए हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है, ओ मैंने गलती कर दी एक, ये तो हम ऐड कर रहे थे और रिमूव हम कर रहे थे यहाँ पर 101, और एक बार फिर से रन करते हैं, ठीक है, की एरर मिल गया 101। क्यों, क्योंकि 101 एग्जिस्ट तो करता नहीं है सेट में, इसलिए ये एरर मिला। लेकिन ये एरर हमको ना मिले इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं मेथड डिस्कार्ड का। तो डिस्कार्ड क्या करेगा, सेम टू सेम वर्क करेगा कि अगर वैल्यू मिल रही है तो इसको ये रिमूव करेगा, लेकिन अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो भी ये बुरा नहीं मानेगा। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे सेट से 10 खत्म
खत्म हो चुका है, लेकिन वहीं पर अगर हम इसमें से 101 को रिमूव कर रहे हैं तो क्या होगा, 10 हमारा वापस आ चुका, लेकिन 101 नहीं था, फिर भी इसने हमको एरर नहीं दिया। यही सिंपल सा इसका डिफरेंस है। तो और आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें पॉप भी मिलता है। पॉप याद होगा, लिस्ट में हमको पॉप मिला था, पॉप यहाँ पर मिलता है और पॉप भी वर्क करता है, लेकिन खास बात क्या है, पॉप को सेट में यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि पॉप जो है वो डिफ़ॉल्ट केस में क्या करता है, लास्ट वाले पोजीशन की वैल्यू को रिमूव करता है। तो सेट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर सीक्वेंस में वैल्यूज़ नहीं होती हैं। तो अगर हम वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं यूजिंग पॉप, तो हमें ये नहीं पता है कि लास्ट में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है और वो किसको रिमूव कर देगा, इसी वजह से पॉप को यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ से इसने क्या किया है, एक वैल्यू को रिमूव कर दिया, और वो वैल्यू एक्चुअल में इसने कौन सी रिमूव की, वन रिमूव की। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर वन था लेकिन यहाँ पर वन नहीं है, और इसने पॉप से रिमूव किया, और पॉप क्या करता है, लास्ट से वैल्यू को रिमूव करता है, लेकिन इसने वन को रिमूव किया, इसीलिए पॉप को यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा हमें क्लियर मिलता है, क्लियर याद होगा हमको, क्लियर जो मिला था इससे पहले भी, और क्लियर सिंपली क्या कर रहा था, क्लियर पूरे के पूरे सेट की वैल्यूज को रिमूव कर देगा, एम्प्टी कर देगा, लेकिन वेरिएबल को डिलीट नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ पर सेट वैल्यू को क्लियर करते हैं तो ये सेट को हमारे एम्प्टी कर देगा, लेकिन हमको एरर नहीं मिलेगा। सेट हमारा एम्प्टी हो गया बट एरर नहीं मिला। और इसी का दूसरा भाई है जो हम प्रीवियसली देखते आ रहे हैं, डेल। डेल क्या करता है, पूरे के पूरे वेरिएबल को ही ख़त्म कर देता है, और इसके लिए हम डेल कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हमने रन किया और ये दे देगा अनडिफाइंड सेट वैल्यू, क्योंकि सेट वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रीवियस से ही मिलती जुलती मिलती चली जाएंगी। जॉइंट टू सेट की बात आती है, तो जॉइंट टू सेट हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हमें यूनियन मेथड मिलता है और दूसरा मिलता है अपडेट। यूनियन और अपडेट में अंतर क्या है, डेल को मैं यहाँ पर कमेंट कर दे रहा हूँ, और अब हम, क्योंकि अभी अगर हम इसको डेल कर देंगे तो, और क्लियर भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें इस सेट की ज़रूरत है, तो अभी फ़िलहाल क्या होगा, हमारे सेट की वैल्यू हमें वापस मिल चुकी है, और हमें करना क्या है, दो सेट को ज्वाइन करना है। तो दो सेट को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या मिल रहा है, यूनियन मिल रहा है। तो पहले तो हमें यहाँ पर एक दूसरा सेट बनाना पड़ेगा, तो हमने सेकेंड सेट बनाया, और सेकेंड सेट में हमने वैल्यूज़ ऐड कर दी। क्या ऐड की, 11, 12, 13 एंड 14। तो दो सेट मिल चुका है, और हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला वाला सेट है उसी में हम इसको मर्ज कर देते हैं। यूनियन क्या करता है, एक सेट को दूसरे सेट के साथ मर्ज करता है। तो हमारा जो वैल्यू है पहली वाली, उसका नाम है सेट वैल्यू, और डॉट करके हमने किसको कॉल कर लिया, यूनियन को। यूनियन के अंदर हमने पास किसको किया, हमारे सेकंड सेट को। अब ये करेगा क्या, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से मर्ज कर देगा। तो इसको हम रन करते हैं, और रन करने के साथ में सेट वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट काम क्या हुआ, यूनियन हमेशा क्या करता है, दो सेट के बीच में जो वैल्यूज़ होती है उनको आपस में मर्ज कर देता है, और उसमें अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू होती है तो उसे वो रिमूव कर देता है। जैसे कि 11 जो है ये एक डुप्लीकेट वैल्यू है, क्योंकि ये फर्स्ट सेट में भी है और सेकंड सेट में भी है, लेकिन यहाँ पर हमें वो नहीं मिल रहा है। तो ये किया क्या इसने, इसने किया ये कि सेकंड सेट जो था उसको फर्स्ट सेट में लाकर मर्ज कर दिया। तो ये तो काम किया जॉइन ने, लेकिन दूसरा जो मेथड हमें मिलता है वो मिलता है अपडेट। और अपडेट क्या करेगा, अपडेट जो है सिंपली सेट में मर्ज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, वैल्यूज़ को सेट वन की वैल्यूज़ को लेगा और सेट दूसरे सेकेंड जो वैल्यू है उसको उठा के इसमें अपडेट करेगा। काम दोनों ही सेम टू सेम करते हैं कि डुप्लीकेट जो वैल्यूज़ हैं उनको ये
रिमूव कर देता है। तो सेट वैल्यू अगर हम फिर से लेते हैं और इस बार को हम अपडेट यूज करते हैं, और अपडेट में हम अपनी सेकेंड सेट को पास करते हैं और रन करते हैं एक बार फिर से। तो इसने क्या किया, हमें सारी की सारी वैल्यूज दे दी। ठीक है, काम क्या है, डिफरेंस दोनों का देख लेना है, यूनियन और अपडेट का। हालांकि दोनों में डिफरेंस नहीं होता है, बट कोई माइनर डिफरेंट हो तो उसको एक बार देख लेना। कंस्ट्रक्टर हमने पहले भी देखा हुआ है कि जैसे लिस्ट टपल सेट सभी के हैं, वैसे ही सेट का भी कंस्ट्रक्टर है। इसके थ्रू हम करते क्या हैं, कंस्ट्रक्ट क्रिएट करते हैं। इसके अलावा सेट के बहुत सारे प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं, हमने दो चार देखे हैं, बाकी जो हैं इनको आप यूज करके देखो, क्योंकि इनके एक स्पेसिफिक काम है। अभी बेसिक के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि सेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये वर्क कैसे करता है, तो वो हमने देख लिया है। अगर इतना आपको समझ में आया है तो आप इजीली यहाँ से जाकर इनके अदर मेथड्स को यूज करते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है। कोशिश ये करना कि यूज करते समय कमेंट्स करना, उनको डिस्क्राइब करना कि मेथड क्या वर्क कर रहा है, ताकि आपको उसका और अच्छे से आइडिया हो सके। बाकी अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन होता है तो कमेंट करो, ताकि पता चले कि प्रॉब्लम क्या है और मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल यही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।